गाइस नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा टाइप्स और दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जिस लैंग्वेज के साथ आप काम कर रहे हो उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट देर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. ओके सो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स. द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव और कभी कभी आप इसको रेफरेंस डेटा टाइप्स भी बोलते हो. ठीक है सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये आप सब आपके बेसिक वाले डेटा टाइप्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, ये सब. ठीक है सो जावास्क्रिप्ट में इफ़ यू टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट देर इज़ नंबर. यहाँ पर एक्चुअली फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग, डबल अलग अलग नहीं होता, सबको कलेक्टिवली जावास्क्रिप्ट नंबर बोलता है तो बहुत ईजी हो जाता है. सो नंबर इज देयर, स्ट्रिंग्स आर देयर, कैरेक्टर स्ट्रिंग सेम चीज़ हो गया, मतलब जावास्क्रिप्ट को सेम ट्रीट करता है. देन देर इज बूलियन. अनडिफाइंड इज ऑल्सो अ डेटा टाइप. अनडिफाइंड इज बेसिकली जैसे आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और अगर आप उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो तो उसका डेटा टाइप अनडिफाइंड है. ठीक है नेक्स्ट इज नल. नल इज बेसिकली एब्सेंस ऑफ एनीथिंग. तो वो एक्सप्लिसिटली डिसाइड किया गया कि अगर उसको कुछ वैल्यू नहीं देना है तो हम उसको नल बोलेंगे. ठीक है अनडिफाइंड और नल का डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से. एंड अभी रिसेंटली ECMAScript 6 से लाइक जो सुपरसेट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट का उसमें सिंबल बोल के भी एक डेटा टाइप ऐड किया गया. ठीक है तो विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर सिंबल को. ठीक है बट मैंने आपको बता दिया कि होता है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो वहाँ पे हैं एरेज, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ये दोनों मैंने आपको दिखा दिए हैं. डेट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे फंक्शंस भी पाइथन की तरह एक डेटा टाइप कंसिडर होता है. ठीक है और फ्यूचर में जब आप ओपी यूज़ करके खुद के क्लासेस बनाओगे तो उनके भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस टाइप ही बोलते हो. ठीक है नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है? तो बहुत सिंपल है. जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनकी सबसे पहली बात होती है कि वो डायरेक्टली लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं. सो अगर आप लिख रहे हो ए इज इक्वल टू 2 तो ए विल डायरेक्टली पॉइंट टू द लोकेशन जहाँ पे 2 स्टोर्ड है. ठीक है और ये स्टोर होते हैं स्टैक मेमोरी में. अगर आपको हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम स्टैक में स्टोर करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को. और यहाँ पर जो आप रिट्रीवल होता है वो कॉल बाय वैल्यू होता है जो आपने सी में पढ़ा होगा. ठीक है और इफ यू टॉक अबाउट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये रेफरेंस एक्सेस होते हैं, मतलब वेरिएबल जिस चीज को पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्टली उस डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा, वो एक पॉइंटर के थ्रू उस डेटा पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस है. ठीक है और ये जो होता है ये स्टोर होता है हीप पे और ये डायनेमिकली असाइन होता है मेमोरी रन टाइम पे. ठीक है और कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू आप ये पूरा काम करते हो. सो बेसिकली यू हैव अ पॉइंटर टू दैट लोकेशन. ये सब आपने सी में पढ़ा होगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. ठीक है सो जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कॉल बाय वैल्यू के थ्रू फेच होते हैं और जो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू. ठीक है और एक इंपॉर्टेंट चीज, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है कि जब आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो तो वहां पे आप उसका टाइप नहीं बताते हो. सो एक सेम वेरिएबल कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. ओके सो टाइप इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द वैल्यू नॉट बाय द वेरिएबल नेम. सो वेरिएबल नेम से कोई लिंकेज नहीं है. ठीक है जो वैल्यू है उससे लिंकेज है. ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा. अब मैं आपको जल्दी से सारे के सारे डेटा टाइप्स एक एक करके दिखाता हूँ. सो व्हाट वी विल डू इज जैसे पाइथन में टाइप फंक्शन होता है वैसे यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है. ठीक है आप उसको यूज कर सकते हो. सो लेट मी शो यू. सबसे पहले मैं स्ट्रिंग दिखाता हूँ. सो व्हाट वी विल डू इज विल क्रिएट अ वेरिएबल बाय द नेम ऑफ सिटी. लेट्स गिव इट अ वेरिएबल ऑफ कोलकाता. लेट्स गिव इट अ वैल्यू ऑफ कोलकाता एंड देन व्हाट यू डू इज यू राइट कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ और उसके बाद आप लिखते हो सिटी लाइक दिस. ओके सो लेट्स रन दिस. सो इफ यू रन दिस यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है. ओके लेट मी शो यू डायनेमिक टाइपिंग कैसे होता है. सो अगर मैं सिटी को एक वैल्यू दे दूँ 4.5 और अब देखो अगर मैं इसको रन करूँ दिस वुड शो नंबर. ठीक है सो यहाँ पे सेम ही वेरिएबल को आपने एक डिफरेंट डेटा टाइप दे दिया फिर भी वो काम कर रहा है. ठीक है 4.5 अगर आप यहाँ पे सिंपली 4 भी दोगे तो भी वो नंबर रहेगा. जस्ट टू शो यू कि यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर को आप कलेक्टिवली नंबर बोलते हो. नाउ लेट्स रीअसाइन सिटी टू ट्रू एज एन बूलियन एंड दिस शुड शो यू बूलियन राइट. नेक्स्ट इज सिटी को डिफाइन नहीं करते या एक काम करते हैं कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं वेयर ए लाइक दिस. ओके और टाइप ऑफ ए निकालते हैं एंड दिस शुड शो यू
अनडिफाइंड, ओके अनडिफाइंड राइट। नेक्स्ट इज ए को अगर आप नल कर दो, ओके नाउ दिस वुड थ्रो ऑब्जेक्ट एक्चुअली। सो ये एक काइंड ऑफ डिबेटेबल टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में। सो होता क्या है कि होना चाहिए था नल, बट हमेशा नल को जावास्क्रिप्ट क्या करता है एज ऑब्जेक्ट दिखाता है, ठीक है, बट ये है नल, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज। द नेक्स्ट वन इज इफ आई एम करेक्ट सिंबल, सिंबल हम लोग अभी नहीं देख रहे, मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ, इट विल लुक लाइक दिस सिंबल, ठीक है, और एक्चुअली न्यू नहीं होगा बिकॉज जस्ट सिंबल होगा, ठीक है, लाइक दिस। अब इस पॉइंट पे इट वुड थ्रो सिंबल, इसको यूज़ कैसे करना है हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेफरेंस टाइप्स, सो आपने बहुत सारा तो ऑलरेडी देख लिया है। सो लेट्स से हमने लिखा मार्क्स, मैं आपको एरेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5 सेमी कॉलम, और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ मार्क्स निकालूँ, तो आप कोई भी रेफरेंस टाइप जैसे यूज़ करोगे आपको हमेशा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस वुड थ्रो एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप स्ट्रिंग लिटरल ले रहे हो, मैं आपको जल्दी से स्ट्रिंग लिटरल लेके दिखाता हूँ। सो अगर आप स्ट्रिंग लिटरल ले रहे हो, लेट्स से आपने लिखा ओएस में 34 और डीएस एल्गो में 56, तो भी इट वुड थ्रो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ, दैट इज डेट, ठीक है। सो वेयर डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ओके। और अब हम क्या कर रहे हैं, मार्क्स के बदले आई एम प्रिंटिंग आउट डेट, और जस्ट टू शो यू ये कैसे काम कर रहा है, आई ऑल्सो प्रिंट आउट कंसोल डॉट लॉग में डेट का वैल्यू, ओके, एंड यू वुड सी ये रहा गाइस। सो मुझे डेट भी मिल रहा है, और यू कैन सी उसका डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट। सो आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी इस वीडियो में, सो प्लीज़ जस्ट मेक श्योर का ये सब कुछ क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वील डिस्कस टाइप कन्वर्जन, जहाँ पे हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।